ये देखिए, तो मेरे हाथ में देखिए आ चुका है फाइनली दिलवाले, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो आज फिर बॉम्बे फूडी डे आ चुका है पप्पू जूस वाला सेंटर के पास, जहाँ पे काफ़ी इनका मशहूर है हो गया था दिलवाले। तो आज हम आपको दिखाएंगे दिलवाले का मेकिंग और दिलवाले कैसे बनता है। ये हमारे लिए आज एक दिलवाले बनाएंगे और मैं आपको उसका रिव्यू करके दिखाता हूँ। चलिए हम आपको अभी पिलाते हैं जो यहाँ पे काफ़ी मशहूर है दिलवाले, जो नारियल पानी का जो अंदर बेस रहता है उसको निकाल के उसका मलाई से इन लोग जूस बनाते हैं, वो क्रीम वाला। पहले ये नारियल पानी को तोड़ते हैं जो नेचुरली आता है, आप सभी को पता है नारियल पानी कैसा होता है। तो इसको नारियल पानी का ब्रेक करने का तरीका देखिए, ये पानी बहुत वेस्ट तो नहीं होता है ना? हाँ। तो इनका कहने का मतलब ये पानी वेस्ट नहीं करते, इसके अंदर जो मलाई निकलती है उसको ये दिलवाले जूस के लिए यूज़ करते हैं। सो अभी ये देखिए ये वाली जितनी मलाई है अब इसको इसमें भरेंगे मिक्सर में। ये मिक्सर में मलाई भर के इसको ग्राइंड करके आपको दिलवाले रेडी होगा। अभी देखते रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। ये इसमें देखिए, अभी इसमें पूरा काजू इतना ज़्यादा भरेंगे, इसमें ये लोग दूध शक्कर और मलाई और काजू डालते हैं। इसका मिक्स करने के बाद स्टफ कैसा तैयार होता है मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने दूध और शक्कर डाल के अब इसमें बर्फ़ डालने के बाद इसको ग्राइंड कर देंगे। ये हमारा दिलवाले का पूरा स्टफ रेडी हो रहा है ग्राइंड होने के साथ। बात देखिए, इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक ये ग्राइंड करते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में दिलवाले आ जाएगा। ये पेस्ट रेडी होने के बाद इसमें ग्राइंड करके डाल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने किस तरह से क्रीम डाला और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अभी पड़ा काजू। ये देखिए, ये देखिए क्या स्टाइल में है। तो मेरे हाथ में देखिए आ चुका है फाइनली दिलवाले, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। इसमें इन्होंने क्या क्या डाला, पूरा मलाई का सब मैंने आपको मेकिंग का दिखाया है, नारियल पानी का मलाई पर नारियल पानी का पूरा बेस है। आपने देखा किस तरह से स्टाइल में क्रीम डालते हैं या अमूल क्रीम। तो अभी आपको उसको टेस्ट करके डाला, एकदम काजू है और मलाई है। काफ़ी स्वीट ड्रीम है, स्वीट डिश है और हाँ हैवी भी है। मुझे लगता है एक आदमी के लिए, अगर एक आदमी खाएगा ना पेट भर जाएगा उसका। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी अगर ट्राई करना हो तो ये लोकेटेड है जेजे हॉस्पिटल के पास, जेजे पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने, पप्पू जूस वाला। आई थिंक मुझे इसका एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई में आपका इसका एड्रेस पता चल ही जाएगा पप्पू जूस वाले की वजह से। तो हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो हमें सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे फॉलो करिए, और हाँ फेसबुक पे प्लीज़ ज़रूर करना सपोर्ट हमें। थैंक यू सो मच।